हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रूपशा और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि ट्रांसफॉर्म टूल में तीनों चीज़ यानी कि ट्रांसफॉर्म टूल के अंदर जो स्क्यू, डिस्टॉर्ट और पर्सपेक्टिव ऑप्शन है और उसका क्या काम है वो लेकर मैं आज का वीडियो दिखाऊंगा। तो ट्रांसफॉर्म टूल क्या है उसको लेकर मैं एक वीडियो बनाया था, जो अगर आपने नहीं देखा हो तो प्लीज़ देख लेना। तो इसके बाद मैं क्या करूँगा, आज वो तीनों चीज़ दिखाऊँगा जो ट्रांसफॉर्म टूल के मदद से हम कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं एक शेप क्रिएट कर लेता हूँ, जैसे कि ये रेक्टेंगल मैंने क्रिएट कर लिया। फिर उसके बाद क्या करना है, हमें कंट्रोल टी प्रेस करना है। आपको बोला था कि ट्रांसफॉर्म का शॉर्टकट है कंट्रोल टी, तो कीबोर्ड में से कंट्रोल टी प्रेस करना है। और कंट्रोल टी प्रेस करने के बाद आप अगर राइट क्लिक करेंगे तो राइट क्लिक करने के बाद हमें मिल जाएंगे ये सब ऑप्शन। तो इसमें से मैं दिखा दिया था कि कैसे हम ट्रांसफॉर्म करेंगे और कैसे हम स्केल और रोटेट कर सकते हैं। तो रोटेट आप यहाँ से भी कर सकते हो या फिर ऐसे भी रोटेट टूल के मदद से कर सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है स्क्यू ऑप्शन। तो स्क्यू ऑप्शन की मदद से हम क्या कर सकते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। तो स्क्यू ऑप्शन में क्लिक करने के बाद हमें कुछ इस तरह दिख जाएंगे माउस पॉइंटर, जो इस तरह कुछ चेंज हो जाएंगे, यानी कि ये दो साइड का एरो आ जाएंगे। तो ऐसे ऐसे हम अगर स्क्यू करते रहेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये स्क्यू होता जाएंगे, ठीक है। तो एरो ऐसे हॉरिजॉन्टली है तो इसका मतलब ये हॉरिजॉन्टली स्क्यू होगा, तो बहुत ही सिंपल। और एरो अगर ऐसे वर्टिकल होगा तो ये वर्टिकली स्क्यू होता जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे करके आप अगर ये चेक में क्लिक कर दोगे या फिर कीबोर्ड में से इंटर क्लिक कर दो, इंटर प्रेस कर दोगे तो ये शेप आपको मिल जाएंगे। तो ऐसे हम स्क्यू कर सकते हैं। तो स्क्यू कैसे कर सकते हो और स्क्यू क्या होता है, तो ये तो आप आई होप कि समझ चुका हो। तो ये जो मैंने एक शेप में दिखाया है तो ये स्क्यू आप अगर चाहो तो टेक्स्ट में भी कर सकते हो या फिर कोई इमेज भी कर सकते हो, कोई वेक्टर ऑब्जेक्ट में भी कर सकते हो। तो किसी भी चीज़ में आप कर सकते हो। जैसे कि मैं एक टेक्स्ट लेकर दिखाता हूँ आपको, तो ये एक टेक्स्ट है तो इसको भी मैं स्क्यू कर सकती हूँ ऐसे कंट्रोल टी प्रेस करके। इसके बाद हम अगर स्क्यू ऑप्शन में जाए तो ऐसे हम इसको स्क्यू कर सकते हैं। तो हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हैं और वर्टिकली भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ स्क्यू जो हम टेक्स्ट में भी कर सकते हैं। तो इसके बाद क्या आता है, इसके बाद एक नया लेयर लेता हूँ और इसके बाद मैं दिखाऊँगा कि डिस्टॉर्ट क्या होता है। तो मैं एक फिर से रेक्टेंगल ले लिया, इसका एक दूसरा कलर दे देता हूँ। तो मैं फिर से कंट्रोल टी प्रेस करूँगा और फिर से मैं राइट क्लिक करूँगा। तो राइट क्लिक करने के बाद ये डिस्टॉर्ट ऑप्शन आ जाएंगे और डिस्टॉर्ट ऑप्शन आएंगे तो ऐसे आप अगर क्लिक करोगे तो ये आप देख सकते हो कि ये माउस पॉइंटर कुछ ऐसे हो गया, ठीक है। तो आप अगर ऐसे करोगे तो ये डिस्टॉर्ट आपको दिखेगा कि ऐसे होता जाएंगे, ठीक है। तो ये आप अगर शिफ्ट के बगैर करोगे तो कोई भी एंगल में कर सकते हो आप, और अगर आप शिफ्ट प्रेस करके करोगे तो ये जो स्ट्रेट लाइन मेंटेन होता जाएंगे, यानी कि ये स्ट्रेट लाइन आपको जैसे था वैसे भी मिल जाएंगे और ये शेप खराब भी नहीं होगा, ठीक है। और अगर आप बगैर शिफ्ट के करते हो तो ऐसे ऐसे करके ये आप कर सकते हो, पर ये जो स्ट्रेट लाइन वो खराब होता जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली स्क्यू ये है, तो स्क्यू की मदद से आप ऐसे कर सकते हो। और स्क्यू का एक शॉर्टकट भी है, आप अगर चाहो तो कीबोर्ड में कंट्रोल के मदद से भी कर सकते हो, यानी कि कंट्रोल की मदद से आप स्क्यू कर सकते हो ऐसे, ठीक है। तो ये था स्क्यू। इसके बाद आता है क्या,
पर्सपेक्टिव, तो उस पर्सपेक्टिव में मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ फिर से। तो पर्सपेक्टिव क्या होता है, फिर से मैं कंट्रोल टी प्रेस करके राइट क्लिक करूँगा तो पर्सपेक्टिव ऑप्शन में क्लिक करूँगा तो ये आपको दिख जाएंगे। तो पर्सपेक्टिव की मदद से आप कुछ इस तरह कर सकते हो, यानी कि पर्सपेक्टिव ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे करोगे तो ये कुछ इस तरह होगा। और इस तरह भी कर सकते हो, यानी कि पर्सपेक्टिव का जो जो फीचर्स आप चाहते हो तो वो ऐसे मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये था पर्सपेक्टिव। तो पर्सपेक्टिव, डिस्टॉर्ट एंड स्क्यू, जो तीनों चीज़ ट्रांसफॉर्म के अंदर है वो मैंने आज दिखा दिया। तो आई होप आपको समझ आया है। तो ये वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक, कमेंट और शेयर कर देना। थैंक यू।